गाइस ये है मांगरोड से आता हुआ रास्ता, और ये रास्ते से हम यहाँ 1 किलोमीटर दूरी पर आएंगे तो यहाँ जलेबी हनुमान दादा का मंदिर की ओर जाने का रास्ता है। ये एरो बताए हैं, यहाँ से ये रास्ता जाता है सीधा। यहाँ सबसे पहले यहाँ मंदिर आता है वेराई माता का मंदिर। ये वेराई माता मंदिर, तो यहाँ सबसे पहले हम दर्शन करेंगे। बढ़िया सा मंदिर बनाया है। यहाँ से सीधा चलेंगे हम जलेबी हनुमान मंदिर के पास। तो चलते हैं यहाँ इस मंदिर के बाद। हेलो गाइस, आज मैं पहुँचा हूँ मांगरोल के पास। ये हनुमान जी का मंदिर है, उसको बोला जाता है जलेबी हनुमान। जैसे कहते हैं तो वैसे यहाँ दिखता भी है। यहाँ जलेबी भी बनाई गई है। देखो भाई, ये दोनों कलर में है। ये सारी सामग्री इधर यहाँ पर मिलती है। फिलहाल हम भी चलते हैं उस दादाजी को मिलने के लिए। शनिवार को आना, कितनी भीड़ लगती है, 3 घंटे लग जाएंगे तुमको दर्शन करने के लिए। अच्छा, शनिवार को बराबर है। 3-4 घंटे वो तुम आए ना उधर से, वो जो हाईवे है लगता है मेन रास्ता से यहाँ तक पूरी लंबी लाइन लग जाती है। देखो भाई, यहाँ भी ये दूसरी शॉप है, यहाँ पर मौजूद हैं। आ जलेबी हनुमान कैम के भाई, जलेबी चढ़े से वो ये पूरी थाई छे, पूरी थाई जलेबी हनुमान में। अच्छा, मानता है अपने कई भी मानता लीदी हो, ये यहाँ पूरी थाई छे। बराबर 1500 माना तो बर्जिया अमेरिका। અચ્છા, મારી છોકરાની માનતા હતી કે પાસપોર્ટ વિઝા થઈ જાય, મારા છોકરાને બહાર ભણવા જવાનું, તો મારી માનતા હતી અહીંયા પૂરી થઈ છે એટલે હું મારા છોકરાને લઈને પગે લગાડવા આવી છું। ગાઈસ, ઉન લોગો સે દેખે, ઉન લોગો સે બાત કીજીએ, ઉન લોગો ને જો બતાયા વો સહી મે ઉન લોગો ને અનુભવ કિયા હે, ઇસકે અધર સે આપકો બતા સકતે હે। યે યેલો જલેબી ઓર રેડ જલેબી કા મતલબ કોઈ? ये दादा को जलेबी ही चाहती है यहाँ। दादा हाँ, को जलेबी बहुत पसंद है। पसंद है जलेबी। हाँ, लेकिन दो कलर की पसंद है क्या? हाँ, दो कलर की पसंद। फ्लेवर और फ्लेवर टाइप। अच्छा, दादा ने फ्लेवर जो ये से पर। अच्छा गाइस, फिलहाल हम चलते हैं उस हॉल की ओर। सभा गृह है वहाँ पर बैठने का, और ये सारी चीजें यहाँ पर हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले गाइस, यहाँ पर जो हॉल बनाया गया है, यहाँ खाने पीने की सुविधा यहाँ पर रखी जाती है। हर शनि रविवार को बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। ऐसे बोलते हैं कि यहाँ इतनी भीड़ लग जाती है कि यहाँ दर्शन के लिए करीबन 2-3 घंटे निकल जाते हैं, ऐसे कहते हैं यहाँ। गाइस, हम यहाँ हनुमान दादा के यहाँ आए तो सबसे पहले इस पेड़ के नीचे आराम से यहाँ पर खड़े हैं, और यहाँ कई दर्शनार्थी आए हुए हैं, और उन लोगों ने कई तरह की यहाँ प्रार्थना की, और इसके प्रार्थना के साथ साथ प्रसादी भी यहाँ बांट रहे हैं। तो ये प्रसादी हमें दे रहे हैं, तो प्रसादी हम लेते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। ये सब उसके दोस्त हैं। तो
गाइस प्रसादी अभी मैं खा रहा हूँ। प्रसादी दो कलर में दिखाई जा रही है, येलो कलर और ऑरेंज कलर। यस से यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ भाई श्री मुझे मिले। आप कहाँ से? सूरत। सूरत से? चलो बढ़िया। सूरत से बहुत दूर से लोग यहाँ आते हैं। 123 किलोमीटर है यहाँ। 123 किलोमीटर, ओके। आप सब फैमिली के साथ यहाँ अक्सर आया करते हैं? नहीं, मैं तो दूसरी बार ही आया हूँ। अच्छा, बहुत सारे पॉलिटिशियन भी यहाँ आए। सावन से बहुत ज्यादा हुआ है। ओके, पिछले सावन में नॉर्मल पब्लिक था, आपकी बार बहुत ज्यादा पब्लिक आया। बराबर। गाइस फिलहाल यहाँ पर हम पहुँच गए। ये भाईश्री हैं, कैसे हो? अच्छा। यहाँ के बारे में आप थोड़ा कुछ बताइए। ये जलेबी हनुमान दादा का मंदिर है जी। ये बहुत पुराना है इधर, मतलब श्रद्धालु शनिवार को 4-5 हज़ार पब्लिक आती है। इतने ज्यादा? हाँ। अच्छा। और इधर में हर शनिवार को भंडारा लगता है। अच्छा। और इधर में दादा को जलेबी का प्रसाद चढ़ता है। हमारा इधर में जलेबी हनुमान दादा के मंदिर से दुकान है हमारा इधर। अच्छा। हरियाणा जोधपुर स्पेशल जलेबी है। अच्छा। और हम शनिवार को दुकान लगाते हैं इधर में। शनिवार को ज्यादातर शनिवार को लोग आते हैं? हाँ, ज्यादातर शनिवार को लोग आते हैं। अच्छा। और इधर में मान्यता है दादा को जलेबी चढ़ती है, क्योंकि दुनिया पूरी जलेबी मतलब उलझा हुआ है जलेबी जैसा है। अच्छा। इसलिए दादा इधर मतलब सबका मतलब उलझाते हैं सब जी जी। और दादा को मतलब इधर में वीजा भी लगता है बाहर जाने के लिए, पासपोर्ट। इधर वीजा लगाते हैं तो 5 दिन में 5 शनिवार करना पड़ता है, तो अपना काम पूरा हो जाता है। बराबर। ऐसा। अच्छा, यहाँ पर ये जलेबी मैंने दो कलर में देखी। हाँ। तो इसका मतलब क्या है? वो ऐसे कलर अलग अलग रहता है, वो दूसरा कुछ भी नहीं है। अच्छा, नहीं इसमें क्या है कि एक येलो कलर है और एक ऑरेंज कलर है, तो इसका कोई मतलब तो नहीं है? उसका कोई रीजन नहीं है। ज्यादातर मैं दो दुकान पर गए ना, तो उसी में दो कलर अलग अलग दिखे ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। वो तो कलर का कुछ भी नहीं है, वो कलर दो कलर निकालते वो ऐसा। अच्छा। और मानसून में कैसा रहता है इधर? अच्छा रहता है इधर में। सावन में बहुत पब्लिक आता, 10,000 पब्लिक आता श्रावण में। सावन में। अच्छा। में बहुत भीड़ रहता, मतलब इतनी पब्लिक रहती है, आप देखोगे तो आप खुद बोलोगे इतना पब्लिक ऐसा। अच्छा। बहुत पब्लिक आता सावन में। बराबर। सावन में टाइम में बहुत ज्यादा भीड़ रहता। ओके गाइस, यहाँ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा कुछ बता रहे हैं महाराज जी, तो हम थोड़ा बात सुनेंगे। तमे बधे माधेवना मंदिर दर्शन करवा जता छे, एक शिवलिंग होय आपरा અહીં જોઈ, તમે બે શિવલિંગ છે, તો બે કેમ છે કે આ બાજુ શિવ છે અને આ બાજુ શક્તિ છે, શિવ શક્તિનું જોડું છે, આવો આખા ભારત દેશમાં કોઈ જગ્યાએ નથી, ચાર ધામની જાત્રામાં ફરતોય નથી, અને આ આપણે શિવ શક્તિનું જોડું આપણે બનાવેલું નથી, સ્વયંભૂ છે મંદિર આખું દાદા હોય। बीजा नंबर में कि तमे दर्शन में गया पण एमनुं वाहन नंदी महाराज पोठिया आपणा मंदिर में नहीं ने काचे बे नहीं, तो बे वर्ष थया भगवान जाते प्रकट थया, नंदी महाराज छे एमनो कान छे, आ गरामा हार छे, आ काचबो छे, अहीं रहीने दर्शन करो तो पश चोखू देखाशे, दर्शन करीने आ बाजू आवजो। जो आपरा दादा अंदर थे, बाल स्वरूप प्रकट थया छे, नानू बाळक होय पग ओखा राखे सीधा ना राखे, माथा अगर हाथ राखी ने आम कोळवंका हूकेला छे, त्यां कोणीनो ढेको खरो ने, तो आ नानो ढेको छे, कोणी छे, ऊपर माथू छे, आ ढेको छे, पग वाळेला छे, बेनी वच्चे जोशो ने तो शरीर देखाशे, हनुमानजीना दर्शन थशे। बीजा नंबरमां के पंचमुखी हनुमानजी आवे ने एमां एक मुख गणपतिनो आवे, ए हमणां प्रकट थयेलुं छे, हमणां एटले 5-6 મહિના થયા, તો માથું છે ને હું છે। બરાબર। આપણું મંદિર 150 વર્ષ ઉપર પુરાણું છે, અને હમણાં દાદા 10-11 વર્ષથી જાગૃત થયા અને બહુ ઝડપી કામ કરે છે ને, એટલે આટલી બધી પબ્લિક આવે છે, કામ ના થતું તો કોઈ ના આવે। બીજાના મનમાં કે આપણે એમનું શિખર બનાવીને ઘેર ગયા હતા, સવારમાં આવ્યા તો તોડી નાખેલું હતું, ફરી બનાવ્યું, ફરી તોડી નાખ્યું, ત્રીજી વારના પતરા મેક્યા તો વગર પવને દાદા 1 કિલોમીટર ફેંકી દીધા, અમને ખુલ્લામાં જ રહેવું છે, હવે ઉપર ઈટ વેપા દેતા નથી। બીજાનામાં કે કોઈનું લગ્ન ના થતું હોય, છોકરા હોય કે છોકરી હોય, તો શનિવારે મહારાજને પૂછીને બધા લેવડાવવા છે, તો ઉનાળામાં જેટલા બધા આવ્યા એ બધાના લગ્ન થઈ ગયા, કોઈ બાકી નથી, અમને બધા આવા છે, પણ હવે લગ્નગાળો ચાલુ થશે દિવાળી પછી તારે થશે। બીજા નંબરમાં કે કોઈનું લગ્ન થાય, 10 વર્ષ 12 વર્ષ 15 વર્ષ 20 વર્ષ ભલે થયા, પણ જો વસ્તાર ના આવે તો દર શનિવારે ખોરા ભરાય છે,
કોરો અજુક લગીનમાં કોઈનો ફેલ ગયો નહીં, જેને 20 વર્ષ થયેલા હતા એને હોય દાદાએ વસ્તાર આપ્યો છે. બીજાનો કોઈને બહાર જવું હોય તો ઇન્ટરવ્યુ ના પાસ થતા હોય, જેટલા ઇન્ટરવ્યુ પાસ થાય તો બીજા ના મળતા એવા 1500 જણ અમેરિકા, ઇંગ્લેન્ડ, કેનેડા પહોંચી ગયા. બીજા પેન્ડિંગ છે. દર શનિવારે ઓછામાં ઓછા 8-10 જણ લગ્ન કરવાવાળા હોય, 10-15 જણ ખોરો ભરવાવાળા હોય, 20-25 પાસપોર્ટવાળા હોય. એવું નહીં કે દાદા તાઇનાજ કોમ કર્યા છે, કેટલા લખવાની અસરવાળા ગોળીઓને વોકરો લઈને આવતા હતા તે આજે છૂટા ચાલતા થઈ ગયા. 4 જણને તો બિલકુલ દવા વગર કેન્સર મટી ગયું. બીજા નંબરમાં કે ભાઈઓ ભાઈના મિલકતના ઝઘડા હોય કે એફઆઈઆર, જ્યારે કોઈ પણ કેસ ચાલતો હોય ત્યારે દાદા પતાવી દે. બીજાના મનો કે આપણે કોઈને પૈસા આપ્યા હોય એને પાછા ના આવતા જો દાદા લઈ આવે. હું જે પૈસાની વાત કરું છું એ હજારો લાખોની વાતો નથી કરતો. એક એક કંપનીવાળા એક એક પાર્ટીને 3-4 કરોડ રૂપિયાનો માલ મહિનાના વાયદે આપ્યો હતો અને 3-3 વર્ષ લગીને પૈસા નહોતા આપતા. આપણો કોઈ ભગત અહીંથી ગયો કે ને જોણ્યું એને, તો એને પેલાને કહ્યું કે તું અહીં ધક્કા નાખા, તું મોકરો જા, તું મહારાજને મળ. તો એ ભાઈ અહીં આવ્યા અને અહીંથી શનિવારે બાધા લઈને ગયા. તો એ શનિવાર તો ભરાઈ ગયો, બીજો શનિવાર ભરવા આવ્યો. બીજો શનિવાર ભરીને ગયો અને પછી જે ગુરુવાળા હોય ગુરુવાળાની દાદા પેલા કોથળા ભરીને રોકડા જ રૂપિયા 4 કરોડ રૂપિયા ઓણા ભાઈ હંગાતે વ્યાજ હંગાતે આપી ગયા 4 વર્ષનું. તો ત્રીજા શનિવારે એ ભાઈ આવ્યા તો કે દાદાનું કોમ બતાવો. કે દાદાનું કોમ કશું નહીં, પૈસા તારા હતા ને તને મળ્યા, એમાં દાદાને શું કરવાનું, તું 100 રૂપિયાની જલેબી પહેલાં મેં કીધે. અહીં કોઈ પણ દુઃખ હોય તો આપણે અહીં 100 રૂપિયાની જલેબીની બાધા છે અને 100 રૂપિયાની જલેબીની બાધા લઈને જઈએ. દાદા છે તો બધું કામ પતાવી દે 5 શનિવારની અંદર, તો બાધા મેં પછી જલેબી ચડાવવા આવવાનું હોય છે. બીજા નંબરમાં કે એવું નહીં કે નાના નાના છોકરા હોય, 3-3.5 વર્ષના થાય છોકરો હોય કે છોકરી હોય અને મા બાપ બોલાવાને કિલકારી ના કરે તો એ બોબડું કહેવાય. તો મા બાપ સમજી જાય કે આ બોબડું છે, બોલતું નથી, તો એની લાઈન પગે લગાડા છે. અને મા બાપ બાધા લઈને જાય તો કેટલી છોકરી અને છોકરાઓ બોલતા થઈ ગયા. જય સિયારામ.